ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, बताएं कि मेरी हुकूमत 5 से 10 हजार पाकिस्तानी तालिबान जंगजुओं समेत 40 हजार अफराद को अफगानिस्तान से लाकर पाकिस्तान आबाद करने पर मुज़ाकरा करेगा। ये वक्त है पाकिस्तान, 650 अरब रुपया पाकिस्तान की कौम अपने इमाम की आज़ादारी पे खर्च करती है। आज़ादारी इमाम हुसैन पे खर्च करने का मतलब क्या है? यानी 650 अरब रुपया पाकिस्तान का शिया ये मरे हुए यजीद की मुजम्मत के लिए खर्च करता है। तो अगर हमारी फौज जिंदा यजीद के खिलाफ इस कौम को पुकारे तो ये आपको 600 अरब नहीं बल्कि ये आपको 6 खरब रुपया 10 दिनों के अंदर जमा कर देगा। आप इन पर भरोसा करें, IMF से पैसे लेके, अमेरिका से पैसे लेके ऑपरेशन ना करें। हुकूमत के पास नहीं है पैसा, हमें भी पता है। रियासत के पास नहीं है पैसा, हमें भी पता है। इन सियासतदानों ने कंगला कर दिया है रियासत को, मुल्क को। लेकिन अवाम, जिन अवाम से IMF जिन अवाम से सूद वसूल कर रहा है, IMF अपनी सूद की किस्तें अवाम के खून से निचोड़ के कर रहे हैं, ये अवाम क्यों ना अपना मुल्क बचाने के लिए अपना खून बहाए? अगर पहले पेशावर हमले से ऑपरेशन शुरू हुआ था तो हमें उम्मीद है कि ये पेशावर हमला भी ऑपरेशन का बुनियाद बनेगा इंशाअल्लाह। अगर आर्मी स्कूल के बच्चों के खून ने यह असर दिखाया तो पुलिस पेशावर पुलिस के खून भी यह असर दिखाएगा उन बेगुनाह शहादा का, कि इंशाअल्लाह ये इदारे हरकत में आएंगे और कौम पूरी इनके साथ खड़ी होगी। आप अनाउंस करें क्या चाहिए आपको, ये कौम इंशाअल्लाह आपको फराहम करेगी ताकि ये मुल्क भी बचे, ये मिल्लत भी बचे, ये पाकिस्तान भी बचे और इसको दहशतगर्दों से भी निजात दें और गंदे सियासतदानों से भी निजात दें।